चिंता और निराशा के बीच लोगों को हंसाना और आनंद दिलाना एक बड़ी पहल है। आज समाज सेविका बिना जयेश गोगरी ने शाश्वत फाउंडेशन के जरिए एक ऐसी ही पहल करते हुए खारघर में हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर मुकेश गौतम और सुनील सावरा एवं प्रेमलता त्रिपाठी जैसी नामचीन कवियों ने होली और हास्य का ऐसा रंग बिखेरा कि दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो गए। स्थानीय नागरिकों ने जमकर इसका आनंद उठाया। देखिए रिपोर्ट। मैंने कहा राम राज में दूध मिला था, कृष्ण राज में घी, मोदी राज में चाय मिली है, फूंक फूंक के पी कि बांट दो अमृत उन्हें, भय मौत का जो सह रहे हैं, और दो उन्हें बाड़ी कहानी आग से जो कह रहे हैं। हम लोग मेले ठेले के प्रोग्रामों में भी जाते हैं, नुमाइश के, मेले के, ठेले के, गांव के, खेड़े के, कहां कहां जाते हैं। ऐसे ही एक मेले ठेले के प्रोग्राम में मैंने जैसे ही कविता पढ़ना शुरू किया, दूर एक गधे ने रेंगना शुरू किया। वीना जी, मैंने ऑर्गेनाइजर को बुलाया, मैंने कहा भाई साहब उस गधे का रेंगना बंद करवाइए। वो बोले सर वो भी यही बोल रहा है। हुआ उस बार जो अब तक वही इस बार भी होगा, तुम्हारे गोरे गालों पर मेरे होठों का रंग होगा। बहाने कितने भी कर लो मगर तुम जानते हो जी, तुम्हारी हर उम्र में इन अदाओं का असर होगा, तुम्हारी हर उम्र में इन अदाओं का असर होगा। कंक्रीट के जंगल खारघर में शाश्वत फाउंडेशन ने होली मिलन के जरिए साहित्य की गंगा बहाई। वरिष्ठ समाज सेविका वीना जयेश गोगरी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में टीवी के मशहूर कवि डॉक्टर मुकेश गौतम और सुनील सावरा, गीतकार अरविंद राही और प्रेमलता त्रिपाठी एवं मंच संचालक जेपी त्रिपाठी के गीत और कविताओं ने होली और हास्य का ऐसा रंग बिखेरा कि दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो गए। आयोजिका और शाश्वत फाउंडेशन की संचालिका बीना गोगरी ने कहा कि कविताओं के जरिए लॉकडाउन से निराश लोगों में आनंद और उल्लास भरना ही इस कार्यक्रम का मकसद था, जो सफल रहा। कार्यक्रम में कई स्थानीय नगर सेवक भी मौजूद थे। यहाँ शाश्वत फाउंडेशन द्वारा और सेक्टर 19 20 21 के रहवासियों के डिमांड पर हमने यहाँ हास्य कवि सम्मेलन एक कार्यक्रम लिया, और कार्यक्रम लेने के पीछे का उद्देश्य यही था कि कोरोना काल में पिछले 2 साल से जो एक हमने निराशा से हम घिर गए थे, जो हमने आर्थिक नुकसान, हमारे जो रिश्तों में हमने नुकसान पाए, हमारे स्वजन जो हमने खोए, उन सब निराशाओं से उभरने के लिए शाश्वत ने आज यहाँ हास्य कवि सम्मेलन लिया था, और कार्यक्रम बहुत ही सफल हुआ। हमने खारघर के जाने माने कवि तथा बाहर से भी हमने कुछ कवियों को यहाँ निमंत्रित किया था, और 500 से 600 श्रोतागण आज उपस्थित थे इस कार्यक्रम में, और उन्होंने भरपूर इस कविताओं का आनंद उठाया। कवि सम्मेलन जो है ये लोगों को होली मिलन, जो कोरोना के बाद लोग दुखी हुए, परेशान हुए, वो सबसे बाहर आने में थोड़ा हास्य कवि सम्मेलन, थोड़ा हंसना खिलखिलाने के लिए आयोजित किया गया। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए, सभी लोगों का आभार। बड़े बड़े नगर सेवक भी सब आए, कवि बहुत शानदार प्रस्तुतियाँ दी, और ये आयोजन आगे भी होता रहे इसकी कामना करते हैं। वहीं खुद कवियों रचनाकारों ने होली के अवसर पर आयोजित इस काव्य सम्मेलन को लोगों को जोड़ने और नई पीढ़ी में संस्कार भरने का जरिया बताया। उन्होंने शाश्वत फाउंडेशन एवं आयोजिका बीना गोगरी की भी सराहना की, क्योंकि कवि सम्मेलन पीढ़ी में संस्कार देने का काम करते हैं, संस्कार रोपने का काम करते हैं, संस्कार बांटने का काम कवि सम्मेलन करते हैं। कवि सम्मेलन देश में साहित्य के संवर्धन का काम करते हैं, इसलिए कवि सम्मेलन होना बहुत जरूरी है। हमारे कवि गोपाल दास नीरज जी ने कहा है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, कवि मनुष्य होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे ईश्वर ने कवि के रूप में बनाया, और लोगों को मैं शब्दों के द्वारा आनंदित भी कर रहा हूँ, और कहीं ना कुछ कुछ संस्कार और समाज के स्वस्थ समाज के निर्माण की बातें अपने काव्य पाठ के दौरान कहता हूँ। तक लोग लॉकडाउन के चक्कर में, कोरोना के चक्कर में घरों में थे, तो अब धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है कोरोना का मामला, लोग आयोजन करवा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना कितनी भारी संख्या में लोग आए, हंस रहे हैं, बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इतना कष्ट झेले हैं ना 2 साल, उसके बाद हंसना बहुत जरूरी हो गया है, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट बहुत जरूरी हो गई है। बस हम लोग वही मुस्कुराहट बिखेरने का काम कर रहे हैं। आप लोगों का साथ और समर्थन रहा तो बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, खूब सारे लोग हंसेंगे,
और ये जो कोरोना थी उसको हंस हंस के भगाएंगे। शब्द है बोलते बुरा न माने होली है, वो बोला ही इसके लिए जाता है कि जो भी मन में मलाल हो, कोई भी किसी तरह का एक दूसरे से द्वेष हो, राग हो, वो आज के दिन हम सब भुला करके और एक नई शुरुआत करें, प्रेम बिखेरे इस दुनिया में, यही संदेश देता है ये त्यौहार हमारा। और आज जब हम कमरों में बंद हो गए हैं, छोटे से टीवी के सामने कैद हो गए हैं, उस समय इस तरह के आयोजनों की बहुत ही अहम अहमियत बढ़ जाती है, बहुत ही इसका महत्व बढ़ जाता है कि जब हम लोग सामूहिक रूप से मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और प्रेम का संदेश इस पूरी दुनिया में बिखेरते हैं, और यही उद्देश्य भी इस त्यौहार का है। का त्यौहार ये रंगोत्सव जो होता है उसका मतलब ये है कि हम हंसें, हम एक दूसरे के प्रति प्रेम का आभार ज्ञापित करें और हम इसको खूब उल्लास के साथ, उमंग के साथ मनाएं। और आज जो शाश्वत फाउंडेशन ने ये आयोजन किया है, बहुत ही सार्थक, बहुत ही प्रयोजननिष्ठ आयोजन हुआ है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से श्रोताओं ने इसको एंजॉय किया, आनंदित हुए, उससे हम कवियों को भी बहुत आनंद आया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।